Welcome back to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will study of mathematics class 4th exercise 1.2 की तरफ हम चलते हैं आज. लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की. तो आइए प्यारे बच्चों हम सीखते हैं आज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को कि हम किस तरह से अपने नंबर्स को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं. सो दिस चार्ट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन मैथमेटिक्स. हैव अ लुक. आप यहां पर देख रहे हैं ऊपर की साइड में हमारे फोर कॉलम्स दिए गए हैं. राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे. वंस, ओके. नेक्स्ट वन है थाउजेंड्स, लैक्स और यहां पर करोड़. ओके, सो वंस में हमारे थ्री पार्ट दिए गए हैं. नंबर वन इज, आप देख रहे हैं यहां पर वंस, ओके, देन टेंस, हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में क्या है, टू पार्ट्स है हमारे, वन थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड. बात करते हैं लैक्स की, तो लैक्स में भी हमारे टू पार्ट दिए गए हैं, वन लैक एंड टेन लैक. नेक्स्ट वन इज करोड़. करोड़ में वन करोड़ एंड टेन करोड़. ओके, तो हम इस तरह से इसको रीड करेंगे. हमेशा ध्यान रखें हमें राइट टू लेफ्ट चलना है. वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वन लैक, टेन लैक, वन करोड़, टेन करोड़. या फिर एक बार फिर से हम इसको देखें. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़. ओके, सो हमारे पास कुछ नीचे नंबर्स दिए गए हैं. अगर हम इसको अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को कैसे हम शो करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे, तो हमारे पास पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, दैट इज 1,23,456 को हमें इस चार्ट में शो करना है. क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन दिस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर में जो यूनिट प्लेस वैल्यू है यानी कि वंस प्लेस वैल्यू हमारी सिक्स है. क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट इसमें चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट से हम काउंट करना शुरू करेंगे. तो यहाँ पर वंस प्लेस पे सिक्स है, तो हम इसको सिक्स को लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे. वंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर वंस के नीचे हमने लिखा सिक्स, राइट. देन वंस, टेंस, सेकेंड नंबर पर हमारा फाइव है जो कि टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस के नीचे हम क्या करेंगे, फाइव लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. फोर जो डिजिट है वो हमारी हंड्रेड प्लेस पर है, तो हंड्रेड प्लेस के नीचे हम फोर यहाँ पर राइट करेंगे. नेक्स्ट है थाउजेंड प्लेस पर थ्री, तो थ्री को हम प्लेस करेंगे वन थाउजेंड प्लेस पर, दैट इज थ्री. ओके, तो नेक्स्ट वन इज टू जो कि हमारा टेन थाउजेंड प्लेस पर है, टू, तो टेन थाउजेंड प्लेस पर हमने नीचे टू नोट कर दिया है. नेक्स्ट नंबर है लैक पर, वन लैक पर वन, तो वन लैक के नीचे हमने क्या लिखा, वन. तो इस तरह से हम अपने जो डिजिट हमें, जो नंबर हमें दिया गया है वो हम अपने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं. ओके, ऐसे हम एक और नंबर देख लेते हैं, वेरी सिंपल. दिस नंबर इज 45,78,972 इज़ द नंबर. ओके, तो हम इसे कैसे करेंगे, जो हमारा यूनिट प्लेस यानी कि जीरो प्लेस वंस प्लेस पर है टू. ओके, तो टू को हमने वंस प्लेस पे यहाँ शो किया. सेकंड नंबर है हमारा सेवन जो कि टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस पर हमारा सेवन आ जाता है. हंड्रेड प्लेस पे नाइन है, तो हंड्रेड प्लेस पे क्या होगा, नाइन हम यहाँ पर लिखेंगे. थाउजेंड प्लेस पे टेन सॉरी एट है, तो हम इसको वन थाउजेंड प्लेस पर एट को नोट करेंगे. टेन थाउजेंड प्लेस पे सेवन को नोट करते हैं, ऐसे वन लैक पर हम फाइव को नोट करेंगे, या और लास्ट में है फोर जो कि हमारा टेन लैक्स पर, तो हम यहाँ पर टेन लैक्स में फोर को नोट करते हैं. सो दिस चार्ट इज़ वेरी सिंपल. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से आप इसकी प्रैक्टिस भी करें. सो नाउ कम टू दिस, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया
तो बाकी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ओके सो द नंबर इज 1,23,456 इज रीड एज 1,23,400 ओके 56। देयरफॉर द प्लेस वैल्यू ऑफ इस नंबर के हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे नीचे से। देखिए यहाँ से करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो सिक्स नंबर इज सिक्स वंस पर है, तो सिक्स वंस का मतलब क्या है, सिक्स वन जा सिक्स। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, डिजिट फाइव, तो फाइव जो हमारा है फाइव इज फाइव टेंस हम इसको लिखते हैं, इनकी फाइव टेंस जब फिफ्टी। ओके इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फिफ्टी होगी, क्योंकि हम ये प्लेस वैल्यू हम इसको निकाल रहे हैं। और प्लेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस वैल्यू उस नंबर की वो किस प्लेस पर स्टैंड करता है। ओके उस नंबर की वो प्लेस वैल्यू शो करेगा, राइट। सो नेक्स्ट वन है फोर, तो फोर इज हम लिखेंगे फोर हंड्रेड, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड, यानी कि फोर क्या है, फोर हंड्रेड्स पे है, तो फोर की मल्टीप्लाई हम हंड्रेड में करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर हंड्रेड, राइट। ऐसे ही थर्ड की हम थ्री की अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो थ्री इज थ्री थाउजेंड, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर है, प्लेस पर है, तो थ्री थाउजेंड्स मीन्स थ्री थाउजेंड। टू इज टू टेन थाउजेंड, ये जो क्या है, जो टू है हमारा डिजिट वो टू स्टैंड करता है टेन थाउजेंड प्लेस पर। ओके तो टू इज टू टेंस थाउजेंड, यानी कि टू की मल्टीप्लाई टेन थाउजेंड हम करते हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड हमारा ये प्लेस वैल्यू इसकी होगी। नेक्स्ट वन इज वन लैक, यानी कि वन कहाँ पर है हमारा, वन लैक पर है, देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैक, तो वन इज वन लैक या फिर हम वन लैक इसको लिखेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेम नंबर ऐसा भी है, ये भी है, आप इसको भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ओके नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। ओके एक तो आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया है, दूसरा क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये इंटरनेशनल लेवल पर आपसे पूछा जाता है, हमें इसकी भी नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स, ओके मैथमेटिक्स को हमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वंस थाउजेंड्स और मिलियंस में हम बात करेंगे, तो वंस में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वंस में थ्री पार्ट हैं आपके, वंस टेंस एंड हंड्रेड बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में है। थाउजेंड्स की हम बात करें तो थाउजेंड्स में हमारे तीन पार्ट हैं, वहाँ पर हमारे टू पार्ट्स होते हैं। ओके तो थाउजेंड्स में कौन कौन से पार्ट हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर वन इज वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। ओके वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड्स। लास्ट में हमारा मिलियंस, मिलियंस का चार्ट है, मिलियंस में भी हमारे थ्री पार्ट्स हैं, नंबर वन वन मिलियन। ओके वन मिलियन हमेशा ध्यान रखिए कि वन मिलियन जो होता है वो हमारा टेन लाख के इक्वल होता है। ओके वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, सो वन मिलियन इक्वल टू टेन लाख, एक मिलियन हमारा दस लाख, यानी कि टेन लाख के टेन लाख के इक्वल होता है। सेकेंड है हमारा टेन मिलियंस, ओके टेन मिलियंस जो कि होगा हमारा दस टेन लाख के इक्वल, ओके हंड्रेड लाख के इक्वल। ओके टेन मिलियंस मीन्स हंड्रेड लाख, और इसे हम बोल सकते हैं कि वन करोड़। ओके क्योंकि वन लाख इक्वल टू वन मिलियन इक्वल टू टेन लाख एंड टेन लाख इक्वल टू हंड्रेड लाख और हंड्रेड लाख इक्वल टू वन करोड़, सो टेन मिलियन इक्वल टू वन करोड़। नेक्स्ट वन इज हंड्रेड मिलियन, हंड्रेड मिलियंस मीन्स टेन करोड़, राइट। सो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, वो बेस्ड ऑन दिस, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके एक बार आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। सो जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।